नीतीश कुमार के दीवान जी ने बंदूक की नाल को सीधे मंगल ग्रह की ओर उठा दिया था। लग रहा था कि इधर घोड़ा दबा और उधर एलियन जमीन पर। सबकी भौहें तनी हुई, जैसे सुपौल नहीं शोपिया में खड़े हो। इन साहब ने तो बंदूक का हत्था बांह से उठाकर कंधे पर रख दिया था कि आज तो नेपच्यून प्लूटो सब गिरा देंगे, बच्चे खेलेंगे कसम से। लेकिन बंदूक और बंदूक की तकदीर, हाय, लग रहा था कि एक साथ 21 बंदूकों की नाल गरजेगी तो पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के कान का पर्दा भी फट जाएगा। कश्मीर के उग्रवादी सिटपिटाए बैठे थे कि बिहार में रणबांकुरों ने बंदूक उठा ली है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, कहीं छाती पर ही न तान दे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी गोली भिजवाई थी कि दिल में यकीन पक्का हो गया, हम बापू के देश के वासी हैं, अहिंसा वाले, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। क्या मजाल कि 21 बंदूक में से एक की भी गोली चल जाए। मन तो हुआ कि ऐसी मासूमियत पर सीलमपुर के नाले में ही कूद कर जान दे दे। इंस्पेक्टर साहब ने मुआयना शुरू किया, सिपाही ने बंदूक की नाल तोड़ दी, गोली टन से नीचे गिरी। गोली उठाकर सिपाही ने हाथ में थमा दिया। इंस्पेक्टर साहब ने गोली को ऐसे जौहरी की तरह देखा जैसे पीतल में कोहिनूर की खोज कर रहे हो। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा की आत्मा के नसीब में तो जंग लगा लोहा था। जगन्नाथ मिश्रा की आत्मा छटपटा उठी, ना स्पीटो, एक तो 21 तोपों की सलामी से 21 बंदूकों की सलामी पर संतोष किया था और इसमें भी एक भी नहीं चली। इससे तो अच्छा होता फुलझड़ी ले आते, चरखी ले आते, मुर्गा छाप लड़ी ले आते, कुछ तो दिवंगत आत्मा को रोशनी मिलती। हमको लगता है नकली गोली आ गया, असली गोली कहाँ चला गया पता नहीं। और इस ढंग से नकली गोली दे करके ये अपमान करना हुआ, इससे अपमानित करने का काम किया है और इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो उसको दंडित करना। कसम से मजा ही आ जाएगा जांच में। इससे अच्छे तो गन्ने के खेत वाले थे, कम से कम ठाए ठाए तो बोल देते थे। बिहार वालों कुछ सीखो यूपी वालों से, बंदूक चलाने के लिए नहीं होती है, दिखाने के लिए होती है। मिश्रा जी की आत्मा के वास्ते ठाए ठाए ही बोल देते। 15 अगस्त को बंदूक लेकर भाई लोग परेड में उतरते हैं तो लगता है सीधे रावलपिंडी ही न घुस जाए। तान दे बंदूक कि काबुल कंधार सब हमारा है। इमरान खान ने यह दृश्य देखा होगा तो कसम से आज ही बाजवा का इस्तीफा मांग ले कि बिहार पुलिस से ट्रेनिंग लेकर आओ, देश का पैसा बचाते कैसे।